आलूकंद पतंगा। आलूकंद पतंगा एक कीट है जो खेतों एवं गोदामों में आलू को नुकसान पहुंचाता है। मादा कीट पत्तों के निचले हिस्से पर तथा मृदा से निकले कंदों पर लगभग 150 से 200 अंडे देती है। इस कीट की इल्ली धूसर और पीली सफेद होती है। अधिक संक्रमण के दौरान यह कीट गोदाम में रखे कंद में सुरंग बना देते हैं। खेतों में इल्ली पत्तों और तनों पर हमला करती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए एकीकृत कीट नियंत्रण अपनाना चाहिए। आप आलू की फसल के साथ प्याज, मक्का, धनिया, लोबिया और उड़द जैसे फसल ले सकते हैं। इसके अलावा गैर मेजबान फसलों जैसे कद्दू, लौकी, गोभी आदि के साथ आप फसल चक्रीकरण कर सकते हैं। आप तुलसी जैसे विकर्षक पौधे लगा सकते हैं। बिजाई के लिए स्वस्थ कंद का इस्तेमाल कीजिए और हरी खाद, सही समय पर सिंचाई एवं उर्वरक का प्रयोग कीजिए। स्टोरेज और बीज प्लॉट जैसी तकनीकों को अपनाइए। हमेशा कंद को मृदा के नीचे ही रखिए और कंद की बिजाई 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। 6 से 7 हफ्तों के बाद पौधों के आधार पर मिट्टी चढ़ाएं ताकि कंद मृदा में कम से कम 25 सेंटीमीटर की गहराई पर रहे। समय से सिंचाई करने से मृदा पर दरार नहीं आती है और कीट कंद पर अंडे नहीं दे पाते हैं। कीट के नियंत्रण के लिए खेतों एवं गोदामों में पैरामोन ट्रैप का इस्तेमाल कीजिए। नर कीट को पकड़ने के लिए 4 ट्रैप प्रति 100 क्यूबिक मीटर स्टोरेज के दर से इस्तेमाल करें। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा प्रेटियोसम 0.4 लाख प्रति एकड़ के दर से खेत में फूल आने पर एक हफ्ते के अंदर पर 4 से 5 बार छोड़िए। आप बेसिलिस थुरिंजियंसिस बीटी और ग्रैन्युलोसिस वायरस जीवी जैसे जैविक एजेंट का गोदाम में उपयोग कर सकते हैं। 3% संक्रमण होने पर रसायनों का छिड़काव करें। 1 हेक्टर के लिए 1350 मिलीलीटर डेल्टा मैथ्रिन 2.8% ईसी या 450 मिलीलीटर साइपर मैथ्रिन 25% ईसी को 750 लीटर पानी में मिलाइए और 30 दिन की फसल पर छिड़काइए। आप इस प्रक्रिया को कटाई के 2 हफ्ते पहले फिर से दोहरा सकते हैं। कटाई के बाद आलू के ढेर को एक ठंडी जगह में 10 से 15 दिन सूखने के लिए रखिए। उत्तम ढेर 3 से 4 मीटर लंबे और निचले भाग में चौड़े होते हैं और ऊपर 1 मीटर चौड़े होते हैं। आलू के ढेर के नीचे एवं ऊपर सूखे हुए लैंटाना तथा सफेदे के पत्तों की 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटी तह बिछाइए। पहाड़ों में कटे हुए आलू हवादार कमरों में सूखने के लिए फैलाए जाते हैं। ताजे बाजार वाले आलू को 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर संग्रहित कीजिए और वेफर बनाने वाले आलू को 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच तंदुरुस्त कंद को कीट से बचाव देने वाले गोदामों में संग्रहित कीजिए। तो किसान भाइयों, इन सामान्य फसल क्रियाएं और जैविक तकनीकों को अपनाकर आप संक्रमण से बच सकते हैं और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।